बैन बैन बैन। भाई कितने पोस्ट देख लिए अभी तक ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के लिए। लाइक फ्रॉम यस्टरडे मैं देख रहा हूँ 25th ऑफ मे से कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दो दिन के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सारी प्लेटफॉर्म्स जो है इंडिया के अंदर बैन होने वाले हैं। अब न्यूज़ वेबसाइट वाले तो ये बोल रहे हैं कि दे माइट गेट बैन, यानी कि वो बैन हो सकते हैं, बट लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि वो दो दिन के अंदर डायरेक्टली बैन होने वाले हैं। एंड मेन चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग जो पोस्ट कर रहे हैं बैन के रिलेटेड, उन्हें पता ही नहीं है कि बैन की सिचुएशन हुई कैसे। बस जो लोग बैन के फेवर में या फिर जो लोग बैन के अगेंस्ट में वो लोग पोस्ट डाल रहे, तो चलो हम भी डाल लेते, थोड़ा सा कूल लगेगा, फिर ऐसा लगेगा कि हाँ यार बंदा अप टू डेट है। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाउ एंड व्हाई दिस बैन सिचुएशन इज क्रिएटेड। तो देखो फरवरी 2021 की बात है, गवर्नमेंट ने यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले थे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, एंड वो केवल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सब के लिए नहीं थे, वो सारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए थे जो कि इंडिया में मौजूद है। एंड इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारी रेगुलेशंस निकाली थी इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। लाइक जैसे कुछ थी एज रिस्ट्रिक्शन के लिए कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट इस पर्टिकुलर एज के ऊपर के लिए ही बना है तो उस पर आप एज रिस्ट्रिक्शन कीजिए, इस तरीके से बहुत सारी थी। एंड मेन चीज ये थी कि आपको जो है आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको एक कंप्लायंस ऑफिसर, एक ग्रीवेंस ऑफिसर इस तरीके से रखना पड़ेगा। नाउ ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी यूजर उस प्लेटफॉर्म का वहां पर जो है ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकता है। ग्रीवेंस से कहने का मतलब कि अगर कोई यूजर है जिसे ऐसा लगता है कि कोई मैसेज है जो कि फेक स्प्रेड हो रहा है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, वो उस चीज के रिगार्डिंग ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकता है। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि कोई उसे जो है बार बार डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, वो उस चीज के रिगार्डिंग ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकता है, उसे जो है रजिस्टर कर लेना होगा एंड उस पर एक्शन लेना होगा। एंड इसके अलावा और भी कुछ रेगुलेशन थी बट जो मेन चीज थी वो यही थी। अब इसके लिए जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का टाइम दिया था। डेडलाइन थी 25th of May की, इस समय के पहले पहले आप जो है आपके प्लेटफॉर्म में इन सारी चीजों को ले आइए। बट बात ये हुई कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया एंड अभी तक कोई भी चेंजेस रेगुलेशन के रिगार्डिंग किए नहीं थे। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि कू ऐप है जो कि ट्विटर का राइवल रही है, वो ऑलरेडी इस चीज के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एग्री कर चुका है। बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अभी तक इस पर कोई भी अपडेट नहीं दिया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फेसबुक की एंड गूगल की, तो उन्होंने भी इस चीज के लिए एग्री कर दिया एंड उन्होंने कहा है कि हम इस चीज के रिगार्डिंग इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे। बट अगर यहाँ पर हम बात की जाए और प्लेटफॉर्म्स की, तो उस पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो व्हाट्सएप ने जो है दिल्ली हाईकोर्ट में इंडियन गवर्नमेंट को सू कर दिया ये कहकर कि अगर हम इन रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो ये एक एंड ऑफ प्राइवेसी होगा। आई डोंट नो कैसे, बट ठीक है, उनका ये कहना है कि दिस विल बी द एंड ऑफ प्राइवेसी। नाउ वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स है। अब आप ये बोलोगे कि पबजी भी तो बहुत बड़ा था, टिकटॉक भी तो बहुत बड़ा था, बट वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी। उस टाइम पे इंडिया और चाइना की सिचुएशंस कुछ और ही चल रही थी। बट अगर यहाँ पर हम बात करें फेसबुक की, गूगल की, तो ये काफ़ी लंबे समय से इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये इंडिया के अंदर बैन हो सकते हैं। लाइक अभी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है कि बैन हो सकते हैं एंड मुझे लगता भी नहीं है कि ये होने वाले भी है फ्यूचर में। बट हम व्हाट्सएप का कुछ कह नहीं सकते बिकॉज व्हाट्सएप की बहुत ही अलग सिचुएशन चल रही है। इसके पहले भी कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए व्हाट्सएप से कहा है एंड व्हाट्सएप ने हर बार उन चीज़ों को डिक्लाइन किया है। सो व्हाट्सएप के बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट इफ यू टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक अगर ये एक या दो दिन के लिए भी इंडिया के अंदर बैन होते हैं तो उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन तो इंडिया की है, बिकॉज चाइना में तो ये सारी चीज़ें चलती नहीं है, तो इंडिया में ही चलती हैं। अगर एक या दो दिन के लिए भी बैन होता है तो इनको करोड़ों का नुकसान होगा। सो ऑब्वियसली वो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि इंडिया के अंदर बैन हो एंड वो गवर्नमेंट के साथ में कुछ ना कुछ बातचीत करके इस चीज़ पर सोल्यूशन निकालेंगे। डोंट वरी, ये प्लेटफॉर्म्स कहीं नहीं जाने वाले। बट हाँ, आगे के अगर 6-7 महीनों तक भी अगर ये उन चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं तो शायद बैन हो सकते हैं। बट अभी के लिए आई डोंट थिंक कि ये बैन इंडिया के अंदर होने वाले हैं। बस यही चीज़ समझानी थी कि शायद बैन हो सकते हैं एंड बैन होने वाले हैं, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नाउ, अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करी हो सो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब।